हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी पर्बल कोरमा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 300 ग्राम परवल ली हूँ और इसे अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर ली हूँ। अभी हम इसको हल्का सा इसी तरह सा पील कर लेंगे। अब परवल को हम दोनों साइड के मुंडी को कट कर देंगे और इसमें हल्का सा कट डाल देंगे ताकि जब सब्जी बनाए परवल के अंदर तक मसाला सारा अच्छे से जाए और खाने में टेस्टी लगे। बिल्कुल इसी तरह सा चलिए परवल को अभी हम पका लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली हूँ। इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम जो परवल को कट किए थे उसको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम में हम इसे भूनेंगे जब तक ये सुनहरा हो जाए। आप देख सकते हैं परवल अभी सुनहरा हो गया है। अभी इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। अभी हम सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा साइज का प्याज जिसे मैं एकदम बारीकी से कट कर ली हूँ। अब इसे प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक ये सुनहरा हो जाए। जब तक प्याज सुनहरा हो रहा है हम एक मसाला बना के तैयार करेंगे। उसके लिए एक ब्लेंडर में हम लेंगे 1 छोटे साइज का प्याज जिसे मैं रफली कट कर ली हूँ, 6 से 7 लहसुन के कली, 1 इंच अदरक जिसे मैं रफली कट कर ली हूँ, 2 से 3 इलायची, लौंग 3, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च हम डालेंगे 7 से 8 और इसमें हम 4 से 5 चम्मच पानी डाल के इसे एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मसाला पेस्ट बनके हमारा तैयार है। चलिए अभी प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज अच्छे से सुनहरा हो गया है। अब जो हम मसाला पेस्ट को बनाए थे उसको डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे सुनहरा होने तक हम पकाएंगे। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड कर देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा का पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अभी इसमें हम 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक चलिए और एक मसाला बना के हम तैयार करते हैं। उसके लिए एक ब्लेंडर में हम लेंगे 8 से 9 काजू, कद्दू के बीज लेंगे 1 चम्मच, खसखस लेंगे 1 चम्मच। अभी इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और एकदम स्मूथ पेस्ट करके हम मसाला बना लेंगे। ग्रेवी का जो मेन मसाला पेस्ट है वो बन के तैयार है। चलिए अभी हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी जो हम ब्लेंड किए हुए मसाले को डाल देते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जितना भी बचा हुआ मसाला निकाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाले से एकदम ऑयल निकल जाए। देख सकते हैं अच्छे से तेल निकल गया है। अभी इसमें हम पानी डालेंगे 1 कप। अभी इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलने के बाद जो हम परवल को फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अभी इसे हम ढक देंगे, ढक के 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे।
8 मिनट के बाद देखिए सब्जी के ऊपर आपको दिखेगा कि तेल निकल चुका है। अभी ये सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे डालूँगी 1 कप कोकोनट मिल्क। आप ये ज़रूर डालिए, इससे और भी टेस्टी बनता है सब्जी। एकदम बहुत शादियों में जो मिलता है पोटल कोरमा, एकदम वैसा ही टेस्ट आएगा। अभी उसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसे अच्छी तरीके से मिला के हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। अभी हमारा सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म राइस या फिर रोटी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, तो आप इसे ट्राई करें और मेरे साथ आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।